आज मैं आलू और गोभी की बहुत ही यम्मी रेसिपी और बहुत ही सरल वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने गोभी को कट कर लिया है, फिर हमने इसको छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, फिर उसको साइड में रखकर हमने आलू को भी छील लिया है। यहाँ हम दो आलू ले रहे हैं और ये सब्जी 8 लोगों के लिए बन रही है। इसको हमने फिर अच्छे तरीके से धो लिया है, इन सबको हमने धोने का अलग रख लिया है। इनको धुलने के बाद आलू को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। फिर हमने खड़े मसाले ले लिए, अदरक, मिर्ची, लहसुन, प्याज, फिर इनको अलग हटाने के बाद इसमें हमने जीरा, धनिया और जो खड़े मसाले थे उनको डाल दिया। फिर थोड़ा उनको पीसने का तो इसमें हमने आलू को भी मिलाया है, इनका भी हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया। फिर हमने इसमें ऑयल डाला कढ़ाई में, ऑयल के थोड़े गर्म होने के बाद सबसे पहले इसमें गोभी और आलू डाल रहे हैं। इनको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक मतलब ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। अब हम साइड में दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले खड़े मसाले डाले हैं और जीरा और धनिया, ये सब डाल के इनको अच्छी तरीके से भून लिया है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें जो हमने खड़े मसाले और धनिया वगैरह और आलू पीस के रखा था वो डाल देंगे। फिर हमने इसमें नमक और हल्दी डाला। इनको अच्छे तरीके से चलाने के थोड़ी सी देर बाद, 5 मिनट बाद, हमने इसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर भी जब सॉफ्ट हो जाएगा तो जो हमने आलू और गोभी को गोल्डन ब्राउन करके रखा हुआ था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें हम गर्म पानी डाल रहे हैं। सब्जी में उबाल आने के बाद हम इसमें थोड़े से धनिया पत्ती डाल देंगे, हरे वाले, और अभी सब्जी तैयार है। आप इसको चावल या रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़